alive. The life has become so much better. Detoxing and whatever. कि आप बड़े सपने देखते हैं लेकिन अपने डोपामाइन का यूज गलत चीजों में करते हैं। डोपामाइन एक ऐसी शक्ति है जिसका यूज अगर आप सही चीजों के लिए करोगे तो आप एक यूनिक पर्सन बन जाओगे। आप जो चाहते हो उसे पा सकते हो, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो सारे डिपेंड करता है आपकी सोच पे, आपकी माइंड पे। आमतौर पर जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, बिल्कुल नहीं। उनके पास रोज काम करने वाले टास्क की एक लंबी लिस्ट होती है, ऐसा भी नहीं है। उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कोई तो फीचर्स होगा ना जो उन लोगों को आप लोगों से यूनिक बनाता है। एक ऐसी प्रिंसिपल जिसे जान लेने के बाद आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। आप जो भी सोचते हो उसे पा सकते हो। तो क्या आप अपने लाइफ को 18 मिनट में चेंज करने के लिए तैयार हैं? इसकी बात हम आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिड्यूस योर फॉरवर्ड मोमेंटम, आगे बढ़ने की होर को कम करना। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उनको सक्सेस जल्दी मिल सकती है, लेकिन कभी कभी रुक कर सांस लेकर और फिर अपनी स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर देना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं, तो आप अपने स्पीड को स्लो करके ध्यान से सोचे कि आगे क्या कहना चाहिए। इसीलिए अगर आपकी कोई भी बात या फिर कोई भी काम बन नहीं रहा तो उसे खत्म करके कुछ नया शुरू करने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अपने जिद में पड़कर फ्यूचर में आने वाले मौकों को मत खोइए। ऐसी सारी सोच जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोक कर रखा है, जो आपके डोपामाइन को हमेशा गलत यूज करने के लिए प्रेरित करता है, उसे आज ही अपने माइंड से निकाल दो। अब बात करते हैं, वेयर डू यू वांट टू लैंड, आपको कहाँ पहुँचना है। आपको याद होगा कि आपके स्कूल के मैथ टीचर आपको पसंद नहीं करते थे और उनकी वजह से आप मैथ में फेल हो जाते थे और शायद डिग्री भी नहीं ले पाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे ही जाल में फंस जाते हैं क्योंकि हम लोग बाहर के फैक्टर्स को हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के नतीजे पर हावी होने देते हैं। अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारा लाइफ हमारी कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका लाइफ गलत चीज़ों के कंट्रोल में है। आपका लाइफ उस सोशल मीडिया के कंट्रोल में है जिससे आप हमेशा छुटकारा पाना चाहते हैं। आपका लाइफ उस नकारात्मक सोच में डूबा हुआ है जिससे आप चाह कर के भी निकल नहीं पाते। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है। जब तक आप फिक्स नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में गलत चीज़ों का घर बना ही रहेगा। अक्सर हमें लगता है कि हम सब बहुत शोर शराबे वाली दुनिया में रहते हैं और बहुत सारे चीज़ों को करना चाहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें चूज क्या करना है। आप अभी से इस पे काम करना शुरू नहीं करेंगे तो आगे जाकर लाइफ में इतने सारे मौके आएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसलिए आपको इन चार एलिमेंट्स पर ही फोकस करना है। फर्स्ट एलिमेंट है, आपको अपनी ताकत के बारे में अंदाजा होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने के लिए आपको इतना इम्प्रूव करना चाहिए कि आपके सामने कोई टिक ना सके। जब आप उस बात पर फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं तो आपके जीतने का चांस ज्यादा हो जाता है। सेकेंड एलिमेंट, अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं बल्कि उसे अपनाइए। जो आपकी कमजोरी है उसे अपने सक्सेस में फायदा उठाने के लिए कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। थर्ड एलिमेंट, अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक और सबसे अलग है तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बहुत बड़ी बात है। जब आप वही करते हैं जिसे सारी दुनिया फॉलो कर रही है तो आप कंपटीशन में शायद ही जीत पाए। इसलिए आप में जो अलग बात है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। फोर्थ एलिमेंट है, अपने लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाली साल की प्लानिंग करेंगे तो आप अपनी फोकस अपनी इच्छा पर रखें, ना कि उन वस्तुओं पर जो आपको चंद पैसे बनाकर देती है। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होना चाहिए जिसे आप हमेशा कर सके और उसे करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। इसलिए अगर आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जो दूसरों से अलग है तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा और अपने डोपामाइन को सही चीजों में रिलीज करना होगा। आपको सक्सेसफुल बनना है क्योंकि आप अलग है, यूनिक है। जब आप इतना कर लेते हैं तब आता है डिसाइडिंग व्हाट टू डू, क्या करना है यह डिसाइड कीजिए। क्या आपको वह समय याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे लेकिन आपको पता ही नहीं था कि ये स्टार्ट कहाँ से करना है। हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है और मैं भी इससे गुजरा हूँ। हमें लगता है कि हम किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में इसके ठीक उल्टा होता है। अगर आपके लिस्ट में करने के लिए 20 काम है तो आप थक जाएंगे। आप हार्ड वर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे और थक कर बैठ जाएंगे। तो आप अभी से डिसाइड कर लीजिए कि 2024 में
आपको इन पांच चीजों पर फोकस करना है, जिसमें तीन चीज है अपने गोल के बारे में काम करना और दो चीज है अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। इसलिए जब आप अपने टू डू लिस्ट बनाएंगे तो उनमें आप सिर्फ पांच चीजें लिखिए जिनमें आपका फोकस 100% रहता है। अगर आप 2024 के लिए अभी अपना गोल क्लियर कर लेते हैं तो आप अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले उन पांच कैटेगोरी के बारे में डिसाइड कीजिए, फिर एक ऐसी लिस्ट तैयार कीजिए जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। ऐसा करने से आप फिक्स कर लेंगे कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इससे आप फोकस्ड रहेंगे, आपको कोई डर नहीं होगा और सारा दिन थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। एक कहावत है कि कभी कभी कम भी ज्यादा होता है, इसलिए आपको 2024 के लिए अपने पांच गोल्स को सोचना चाहिए। बस याद रखिए कि आपका तीन गोल अपने कैरियर के लिए होना चाहिए और दो गोल अपने पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। जब आप इतना कर लेते हैं तो अपने टू डू लिस्ट में से उन चीजों को निकाल दीजिए जिसे करने या ना करने से आपके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने फोकस करने के लिए अपने पांच कैटेगोरी को चूज कर लिया और अपने सारे टास्क को सही कैटेगोरी में रखना भी सीख लिया, तो अब टाइम है कि अपने बाकी के दूसरे टास्क के बारे में सोचने का। सब कुछ ऑर्गेनाइज करने के बाद आपके पास कुछ टास्क बच जाएंगे जिनकी कोई कैटेगोरी नहीं है, पर आपको उन्हें भी करना है। आपके पास ऐसे भी काम होंगे जिससे आप दिन भर में भी पूरा नहीं कर पाएंगे, तो आप ऐसे टास्क का क्या करेंगे? इसलिए आपको बैठ करके अपने लिस्ट को रिव्यू करना है। आपके पास चार चॉइस है, आप इन टास्क को अभी कर सकते हैं या फिर कल या परसों भी टाल सकते हैं। आप इन टास्क को ऐसे लिस्ट में भी रख सकते हैं जिसे आप बाद में कभी ना कभी जरूर करेंगे, या फिर इन टास्क को आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन काम हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इसीलिए आपको किसी भी टास्क को तीन दिनों से ज्यादा टू डू लिस्ट में नहीं रखना है। आपको इन तीन दिनों में डिसाइड कर लेना है कि आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और सबसे द बेस्ट काम कौन है, जिसे आप किसी भी हालत में करना नहीं छोड़ेंगे और ना ही भूलेंगे। जब आप इतना कर लेते हैं तो अब टाइम आता है क्रिएटिंग ए डेली रूटीन। अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमने इससे पहले जाना कि अपने टू डू लिस्ट के 5 कैटेगोरी पर फोकस कैसे करना है, जिनमें 3 कैटेगोरी अपने गोल्स से रिलेटेड है और बाकी 2 कैटेगोरी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। लेकिन हर किसी के लाइफ में छोटी या बड़ी प्रॉब्लम होती रहती है, इसीलिए आपको अपने प्लान्स की एग्जीक्यूशन यानी कि आप अपने प्लान्स को कैसे चलाते हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन रहने के बावजूद भी आप अपने प्लान्स पर कैसे टिके रहते हैं, यह सबसे बड़ी बात है आपके सक्सेस होने के लिए। अगर आपको फॉलो करने में दिक्कत हो रही है तो हम बता ही देते हैं कि आपको सिंपल तरीके से कैसे फॉलो करना है। आपने अपने तरीके से रूटीन बना ली है, अब आपको एक टेक्निक अपनाना है जो है 18-मिनट टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू डू लिस्ट के प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए आपको वही काम लिखने हैं जो आपके 5 कैटेगोरी में फिट बैठते हैं। फिर हर घंटे के बाद आप 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी को चेक करना है और देखना है कि आप कैसे अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद आपको हर दिन आखिरी में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना है कि आपका दिन कैसे बीता। आप खुद से सवाल कर सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा। तो अब आप बिल्कुल जान गए होंगे कि कैसे 18 मिनट खर्च करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अपने निगेटिव थॉट को दूर रखिए और अपने डोपामाइन को सही चीजों में रिलीज करने के लिए प्रेरित कीजिए। आप इस टेक्निक को रोज फॉलो करके अपने सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आप 18 मिनट टेक्निक को यूज कीजिए और अपने गोल्स को हासिल कीजिए और अपने डोपामाइन को डिटॉक्स करके उसे अच्छी चीजों में यूज करके एक यूनिक पर्सन बनिए। फाइनली अगर आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो कांग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत से कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी तो टाइम वेस्ट कर सकते थे ना। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना।